आज की शुरुआत हो रही है इन मीठी लकड़ियों के साथ। देखो कितनी बड़ी लकड़ी बनी है, कैसे बनता। तो बारिश के मौसम में कुछ मीठा खाने का मन करता है जो झटपट से बन जाए, वो ये मीठी लकड़ियाँ हैं। तो हमने आज नाश्ते में ये मीठी लकड़ियाँ बनाई, तो आप भी खाइए, आइए हमारे साथ। हेलो दगड़ियों, कंछो खूब छो दगड़ियों, और हम भी ठीक छो। और आज होनी बरखा, रात बड़े भारी बरखा तेज, और मैंने सोचा मिल स्वाज कि मैं कुछ मीठू बनाऊ ला मैंने। तो मैं मेरे हम तो गढ़वाली लिखो तो लकड़ी बहुत पसंद हुई ना, तो मैंने लकड़ी बनाया ला मैंने। ये देखो मेरी लकड़ी बनी, मेरी बन भी गई लकड़ी सब देखो। अब मेरी लड़की और मेरे पति थे ना, बहुत पसंद थी मीठ लकड़ी खान, मीठू खान मतलब पसंद तो और क्या बना सकूँ मीठू ना। तो मेरे स्वाज हलवा वलवा क्या ये लकड़ी बनाऊ ला मैंने। तो आवन हम बोले नाश्ता में लकड़ी खड़ी, और मेरा जो लड़का थे ना वह थे ही मीठू बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो वे खाना छोले भटूरा, जो कि मिल रात ही बनाया छोला और भटूरा मिला बनाने। तो चलो हम खाँ लकड़ी और आई है तो हमारी मीठी लकड़ियाँ बन चुकी है। डाइट फूड खाने से ही पतला हुआ। पीछे मेरा छोले जो मिल रात ही बने, और मैंने अपने बेटे को ना मैं यही छोले दूंगी। मैं गढ़वाली में थोड़ा सा ना वो हो रही हूँ, मैं मम्मी पापा के साथ कंफर्टेबल होती हूँ बोलने में, और वैसे मम्मी पापा के साथ गढ़वाली आती हूँ मैं। आप लोगों के साथ भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं गढ़वाली में थोड़ा बोलूँ। लेकिन यार हमारे जो लोग हैं ना कुछ यूट्यूबर, वो हिंदी लोग भी है, मतलब गढ़वाली नहीं है सारे लोग, इसलिए तो हिंदी बोलनी पड़ती है। गढ़वाली ठीक है कभी कभी के लिए। और ये मेरे छोले, ये छिमिया ना यार, ये छोले हैं और ये है भटूरे का आटा, और मैं भटूरे बनाऊंगी अभी अपने बेटे के लिए। ये हमारा भटूरा जा चुका है कढ़ाई में, एक भटूरा मैंने बेच दिया है, और मैं भटूरे छोटे ही बना दूँगी। अभी मैं लास्ट में आटा गई ना, मैं यूट्यूब बोलती हूँ, मैं यूट्यूब फैमिली बोलना चाह रही थी जब कहते हैं यूट्यूब में, क्योंकि काफ़ी लोग होते ना तो देसी लोग होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है कि क्या है गढ़वाली लैंग्वेज। गढ़वाली में ठीक है गढ़वाली बोलते ना, लेकिन जो देसी लोगों के लिए उसमें हिंदी समझ आएगी ना हमको, तो इसलिए हमें हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो मैं यूट्यूब फैमिली बोलना चाहती हूँ, यूट्यूब फैमिली जो है ना हमारी, उसमें सब मिक्सर होते हैं गढ़वाली भी और देसी भी। ये तेल शायद पका रही थी कच्चा था, मतलब बच्चे ना छोटे छोटे खाते थे, मैं छोटे बना रही हूँ, बड़े नहीं बना रही भटूरे। ये मेरा बन गया, ये दूसरा भटवट। मैं तेल कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे दो चार बनाने हैं, इसलिए मैं तेल ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रही, तो तेल को पका रही है, इसलिए मैंने तेल इतना ही रखा, पूरा नहीं बड़ा कढ़ाई को। ये दूसरा मेरा बन चुका है। अभी भी ऊपर से गिरा है सस्ते, देखो ये देखो इतनी बारिश हो रही है ऊपर से ये भी गिर गया। वाह, वैसे दीवार तो हमारी ठीक है, लेकिन बताओ अच्छा सर पे नहीं गया किसी की। तो रात को इतनी बारिश होने के बाद फिर से धूप खिल गई है, और रात को इतनी खतरनाक बारिश थी ना, शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी ऐसी बारिश या देखी। इतनी आवाज़ आ रही थी ना, बादल फटते थे, बादल फट जाएगा हमारे सर के ऊपर ही। मैं अध्यात्म उठ भी गई थी, तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ था कि किस किसने ऐसा महसूस किया वो कमेंट करके जरूर बताना। बादल सर के ऊपर फटने वाला है, मुझको तो ऐसे ही लगा था, मैं तो उड़ गई रात को भाई, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसे बादल तरह जी रहा था, कुछ अलग ही था, बम 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 ऐसी आवाज़ें कुछ आ रही थी।